हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घेवर, जिसको मैंने घर पे बनाया है एकदम हलवाई जैसे स्टाइल में। इस वीडियो को एंड का जरूर देखें एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वेलकम टू माय चैनल ज्योति फूड मंत्रा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट। घेवर बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है, तो यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून मैं इसमें घी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ का स्पून लिया है जो हम घर में यूज़ करते हैं। इसको हम सीधा मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आइस क्यूब लिए हैं, इसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 आइस क्यूब डाल दिए हैं, इसको हम चला लेंगे। इसको हमें डिवाइडेशन में चलाना है, एक साथ नहीं चलाना है। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे 2 आइस क्यूब और ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 4 आइस क्यूब मिलाए हैं, इसको हम चला लेंगे। आप देख सकते हो इस टाइप का हो गया है, हमें इस टाइप का ही चाहिए। एक तरह से मक्खन जैसा निकल गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, मैदा को भी एक साथ हमें नहीं मिलाना है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, 1/2 कप। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी, इसको हम चला लेंगे। यहाँ पे हमें एक साथ लूज नहीं करना है, छोटे टिप्स हैं उसको हमें ध्यान में रख के ही बैटर रेडी करना है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे मैदा ऐड करेंगे। यहाँ पे फिर से मैंने 2 टेबल स्पून फिर से ऐड किया है, इसको फिर से हम ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हो ऐसा हो गया है। अब जितना बचा हुआ मैदा है उसको हम मिला देंगे। चलाने के बाद इस टाइप का हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क मैंने लिया है, एक गर्म मिल्क मैंने यूज नहीं किया है, ये फ्रिज में रखा हुआ मैंने मिल्क यूज किया है। इसको हम चला लेंगे, इसे भी हमें एक साथ नहीं मिलाना है। इसके बाद जो बचा हुआ है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमें ठंडा ही मिल्क रूज करना है, गर्म हमें इसमें रूज नहीं करना है। आप देख सकते हो इस टाइप का हो गया है, बैटर इस टाइप का हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। तो यहाँ पे मैंने बेसन को इसमें मिलाऊंगी। हलवाई का एक तरह से सीक्रेट टिप्स है, वो बेसन मिलाते हैं घेवर बनाने में। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून बेसन मिलाया है, इसको हम मिला लेंगे आपस में। इसके मिलाने के बाद हम यहाँ पे मैंने पानी लिया है, तो यहाँ पे हमें चिल्ड पानी लेना है, एकदम ठंडा पानी लेना है। यहाँ पे गर्म पानी हमें यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 1/2 ग्लास मैंने पानी मिला दिया है, इसको मैं चला लूँगी। बैटर जितना पतला हुआ उतना ही घेवर हमारा उतना अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हो इस टाइप का हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की हमें चाहिए। इसे हम ऐसे कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मैंने 15 स्टेप का मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रखा है, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको ख़रीदना हो लेना हो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैंने बैटर रेडी हो गया है, इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें थोड़ा पानी मैं और ऐड करूँगी, इसको मिला लेंगे इसमें। इसको हम चला लेंगे ऐसे। जितना बैटर पतला हुआ
उतना ही हमारा घेवर बहुत अच्छा और जालेदार घेवर बनेगा। तो इस टाइप का हो गया है। इसको हम फ्रिज में, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है, एकदम चिल्ड पानी लेना है तो इसको मैं इसमें रख दूँगी। थोड़ा पानी मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसके ऊपर मैं इस बर्तन को रख दूँगी। ये स्टैंड घेवर है, इसको 10 से 15 मिनट में बना लेंगे। इसको गर्म नहीं होने देना है, इसको हमें ठंडा ही रखना है। कुछ टिप्स हैं, इसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे रबड़ी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया था, यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए पहले से रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो लच्छेदार मलाई निकल रही है, तो इसको मैं साइड में ऐसे चिपका लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही हमें चलाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, तो उसका हाफ हो जाएगा, तो इसको हम चला लेते हैं। जब तक हम सासनी तैयार कर लेते हैं घेवर के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ऐड की है, साथ में मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड किया है। यहाँ पे आप जितनी चीनी ऐड करोगे उसका 1/2 पानी लेना है, तो इसको हम मिला लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही होने देना है। जब तक हम रबड़ी चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो इस टाइप के हमें मलाई को साइड में चिपका लेना है। घेवर बनाने के लिए यहाँ पे हम दोनों चीज साथ में कर रहे हैं, रबड़ी और सासनी दोनों साथ में तैयार कर रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे केसर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, आपको रूज नहीं करना है। तो सासनी हमारी तैयार हो रही है, इसे हम 1 से 2 मिनट और इसे पकने देंगे। अब डबरी में मैं यहाँ पे इलायची डालूंगी, थोड़ा सा इलायची मैंने ऐड किया है, इसको हम चला लेंगे। ये भी हमारी तैयार हो रही है। इन दोनों को मैं साथ में बना रही हूँ, जिससे मतलब वीडियो हमारी लंबी ना पड़े। सासनी हमारी तैयार हो गई है, तो हम चेक कर लेते हैं हमारा एक तार की सासनी बनी है या नहीं। वाओ, आप देख सकते हो एक तार की सासनी बन चुकी है। तो गैस हम बंद कर देंगे और उसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जबकि हम रबड़ी चेक कर लेते हैं, रबड़ी भी हमारी तैयार हो गई है। साइड से जो लच्छेदार मलाई है उसको हम नीचे उतार लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने चीनी ऐड किया है, इसको हम मिला लेंगे। इसे मैं गाढ़ा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा इसको मैं पतला छोड़ूंगी। तो रबड़ी भी तैयार हो गई है, इसको हम उतार लेंगे बाउल में। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप का मैंने बर्तन लिया है घेवर बनाने के लिए। आप यहाँ पे कोई सा भी बर्तन ले सकते हो, पर ध्यान रखना है वो गहरा बर्तन होना चाहिए। तो इस टाइप का मैंने बर्तन लिया है, आप मार्केट से भी घेवर का स्टैंड खरीद सकते हो। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है, इसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आपको आधे से भी कम ऐड करना है, कोई सा भी बर्तन आप यूज़ करो उसमें ध्यान रखना है आपको आधा से भी कम घी ऐड करना है। तो इसे हमें हाई फ्लेम पे हमें इसे रख लेना है, इसको पूरा अच्छे से गर्म हमें होने देना है। मीडियम फ्लेम पे गर्म, कम आंच पे गर्म होके हमें बैटर इसमें नहीं डालना है, एकदम अच्छे से घी को गर्म होने के बाद ही हमें बैटर को इसमें डालना है। तो इसे हम होने देंगे और ध्यान रखना है घी को आधा से कम हमें रखना है। तो यहाँ पे हमने बैटर निकाल लिया है, आप देख सकते हो मैंने इसमें पानी में मैंने इसको रखा था, तो मैंने निकाल लिया है। इसको हमें गर्म नहीं होना है, गर्म नहीं रखना है, ठंडा ही इसको हमें रखना है। इसको हम चला लेंगे इस टाइप से। यहाँ पे मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, चिल पानी मैंने ऐड किया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें पतली रखनी है, तो इस टाइप का हमें बैटर बनाना है। तो आप देख सकते हो इस टाइप का हमारा रेडी हो गया है, हमें इसी टाइप का ही हमें चाहिए। जितना पतला हुआ उतना ही हमारा घेवर बहुत अच्छा और लच्छेदार घेवर बनेगा।
इसके बाद घी गर्म हो गया है तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा डिस्टेंस बना के हमें बैटर को इसमें डालना है, क्योंकि हमारा बैटर थोड़ा उछलता है, घी हमारा बहुत तेज़ गर्म रहता है तो बैटर ऊपर की तरफ उछलता है, तो ध्यान रखना है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के इसमें डालना है। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बीच में होल्ड हो चुका है, तो हमें होल के बीच में ही हमें बैटर को डालना है और हमें मीडियम से हाई फ्लेम पे ही रखना है। जो हमारा बर्तन है उसके हिसाब से ही हमें गैस को फुल रखना है। तो आप देख सकते हो इस टाइप का हमारा सिक गया है, नीचे से हमारा सिक गया है, तो अब ऊपर से हमारा थोड़ा कच्चा रह गया है, तो इसको हम ऐसे बर्तन को हिला के तिरछा करके हम उसको सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने जो टिप्स मैंने बताए हैं उस बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है घी पर बनाते समय। इसके बाद हम नाइफ से इसको हम ऐसे दबा लेंगे जिससे घी पर हमारा आसानी से निकल जाएगा। इस टाइप से हम निकाल लेंगे। वाओ, आप देख सकते हो एकदम जालीदार घेवर बन चुका है। तो घेवर हमारा रेडी हो गया है इस टाइप से, पूरा एकदम जालीदार घेवर बनाए एकदम मार्केट जैसा। तो यहाँ पे मैंने सासनी रेडी कर रखी थी, मैंने आपको बताया भी है, तो इसको मैं एक के ऊपर एक मैंने घेवर रख दिया है। तो इस टाइप से हम सासनी को ऐसे हम डाल देंगे चारों तरफ, तो जिससे दूसरी घेवर पे अपना आप ही सासनी चली जाएगी। तो ऐसे हम चारों तरफ इसको सासनी को हम डाल देंगे। तो ये प्लेन वाला घेवर रेडी हो गया है, तो इस टाइप का घेवर रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं, तो इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स में डाल दूँगी इस टाइप से हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हो रे वाला घेवर रेडी हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे रबड़ी मैंने बना के रखी हुई थी, ये मैंने आपको बताया भी इसकी रेसिपी। तो इसके बाद यहाँ पे हम दूसरे घेवर पे रबड़ी लगा देंगे, इसको हम चारों तरफ लगा देंगे। आप इसको कैसे भी आप उसको खाना चाहते हो, प्लेन वाला या मलाई वाला, आप कैसे भी इसको खा सकते हो। इस टाइप से हम चारों तरफ इसको लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ऊपर से लगा दूंगी। तो आप देख सकते हो फाइनली घेवर रेडी हो गया है एकदम मार्केट में हलवाई जैसा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।